और वो भी 2024 का एकदम नया पोर्टफोलियो। 2026 तक हाई रिटर्न और 2024 का जो ये पोर्टफोलियो है वो मैं आपको बता दूं, 2024 का एकदम नया पोर्टफोलियो जो है, 2026 मतलब कितना, 3 साल, 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है बढ़िया, जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे, अगर जो पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 3 साल के लिए कम से कम दोस्तों, एक बढ़िया रिटर्न देने वाले कौन कौन सा स्टॉक है वो भी आपको मैं बता दूं इसमें थोड़ा सा, उसके बाद मैं शुरू करता हूं कि कौन सा है। 5 रेलवे का स्टॉक है, 3 PSU बैंक है दोस्तों, और 5 महानवरत्ना स्टॉक है, और 3 डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। 16 स्टॉक का पोर्टफोलियो, अमाउंट 10,000 का, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतना पोर्टफोलियो बनाइए, बाकी खेल देखते रहिए। अगर MBA के सिंह के चैनल पर पहली बार आए दोस्तों, तो आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत दिल से स्वागत है और आभार व्यक्त करते हैं, आप लोग का इतना प्यार मिलता है और इसी के चलते हम भी आप लोगों को मेहनत करते रहे दोस्तों। स्टॉक मार्केट में जो पहली बार आए हैं, अगर किसी भी के माध्यम से, दुनिया के किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से MBA BK सिंह लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इंट्राडे टेक मुंबई, स्टॉक मार्केट में कुबेर की खजाना, दो चैनल हमारे हैं, दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को दोस्तों। और ये पोर्टफोलियो आपके एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट सही जगह लगने वाला है, कोई कितना भी न्यूज खबर आए, एक भी स्टॉक बेचना नहीं। चलिए तो पहले सबसे पहले बता दूँ रेलवे के 5 स्टॉक कौन कौन सा है उसकी चर्चा मैं कर लूँ, और आप सभी को मालूम भी होगा बहुत अच्छा खासा लोग कमाई भी किए, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। पहला स्टॉक आपको जान लीजिए 5 रेलवे का स्टॉक कौन कौन सा है, उसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे रेडार पे इरकॉन इंटरनेशनल। लिमिटेड दूसरा आता है आपको टीटागढ़ रेल सिस्टम, और तीसरा आता है रेल विकास निगम लिमिटेड, और इंडियन रेलवे फाइनेंस IRFC, और पांचवा जो आता है वो आपको मैं बता दूं IRCTC। ये सभी स्टॉक 2026 तक के लिए बोल दिए, लेकिन इसके पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा जिस प्राइस में खरीदेंगे कल से। आज मौका 2 दिन का दिया, फिर मौका नहीं मिलने वाला है, और जिस प्राइस पर खरीदेंगे दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले, नीचे गिरता है तो ज़रूर खरीदारी एवरेज करने के लिए करना चाहिए। और वैसे स्टॉक में एवरेज की हम राय देते हैं कि वो स्टॉक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने वाले, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है, और मैं बार बार कहता हूँ, मैं भी राय देता हूँ कि आपको प्रॉफिट मार्जिन बुक करते रहना चाहिए दोस्तों। जी शेयर बाज़ार में पैसा आना जाना बिजनेस है ना, शेयर बाज़ार में क्या है, एक दुकान है आपकी, एक बिजनेस है, तो बिजनेस का मतलब कि बिजी, बिजी मतलब खरीद बिक्री होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि खरीद के छोड़ दिए, तो खरीद के छोड़ देंगे तो फिर आपको शेयर बाज़ार में आने से फ़ायदा क्या है, तो इससे अच्छा तो फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए आराम से बिना निश्चिंत होकर। तो शेयर बाज़ार में आएंगे तो थोड़ा सा आपको एक्टिव भी रहना पड़ेगा, और हमारे चैनल पे हमेशा बने रहने के लिए आपको बेल आइकन घंटी भी दबा लीजिए, और उससे भी ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए बटन को, और वहाँ पर यूट्यूब का जो भी प्रोसेस है प्रोसेस कर लीजिए। उसके बाद उससे भी ज़्यादा बेनिफिट चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हैं, राय ले सकते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक बढ़िया आपको राय मिलेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कुछ प्लानिंग है 1 साल 3 साल 5 साल 10 साल के लिए, तो आपको ऐसे स्टॉक्स जो आपको कंपाउंडिंग प्रॉफिट भी मिलते हैं,
हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9920560932। चलिए तो ये पांच स्टॉक रेलवे के हो गए। अब ये पांच स्टॉक, तीन PSU बैंक कौन कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूं। ये तीन PSU बैंक जो है आपको, वो भी आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और उसमें से पहला बैंक है PNB, दूसरा महाराष्ट्र बैंक, और तीसरा है आपको इंडियन ओवरसीज बैंक IOB। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। पांच नवरत्ना और तीन डिफेंस सेक्टर। तो पांच नवरत्ना कौन कौन सा स्टॉक है वो आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये नवरत्ना स्टॉक में मैं आपको बता दूं कितने स्टॉक हैं। तो एक नंबर से शुरू करते हैं। पहले पहला स्टॉक है नवरत्ना स्टॉक में भेल, जिसको बोलते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सॉरी ये BL है, ये डिफेंस और नवरत्ना स्टॉक में शामिल है। और नवरत्ना स्टॉक में शामिल होने के कारण ये बढ़िया स्टॉक है, ये भी आपको पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। दूसरी तरफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCL जिसको बोलते हैं आपको, ये है। पहले नंबर सब बता दे कितने नवरत्ना स्टॉक है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। तो तीसरा स्टॉक है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, जो फाइटर जेट और मिसाइल बनाते हैं। दूसरा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL जिसको बोलते हैं, और नालको नेशनल एलुमिनियम, NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, और MDC लिमिटेड, और NLC इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड जो हाल ही में शामिल हुए, 13वां स्टॉक है नवरत्ना का, PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और राष्ट्रीय निगम इस्पात निगम लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया 12, और 13-14 जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा। ग्रामीण विद्युत निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये हो गया 14 नवरत्ना स्टॉक में। आपको मैं बता दूँ कौन कौन सा स्टॉक, पांच स्टॉक है उसमें से लेना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ NBCC लिमिटेड पांच स्टॉक में पहला, दूसरा NMDC, और NMDC का जो डी मर्जर हुआ है NMDC स्टील, ये दो ही स्टॉक में आएगा, लेकिन इसको भी लेकर रखना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और PFC ये स्टार्ट हो गए। और दूसरी तरफ आपको बता दूं, ये आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन, ये पांच स्टॉक आपको हो गए नवरत्ना के। अब है दोस्तों, अब कौन सा स्टॉक बच गया, तीन डिफेंस सेक्टर के स्टॉक, जो डिफेंस सेक्टर भी शामिल कर दिए महानवरत्ना में है, लेकिन डिफेंस सेक्टर के तीन स्टॉक और हैं जो आपको शायद डिफेंस और एरोस्पेस में काम करते हैं, और वो स्टॉक आपको ज़रूर अपने रडार पे रखना चाहिए। अगर पैसा बढ़ता है तो आपको इस स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। उसका नाम है टाटा एलेक्सी, और दूसरा है आपको वालचंद नगर लिमिटेड जी, और तीसरा है आपको 360 वार्म लिमिटेड। ये तो हो गया आपको कहानी हमारे पोर्टफोलियो की। अब आइए दोस्तों, अगर आपके पास ये स्टॉक है पहले से BCG ब्राइटकॉम ग्रुप, तो होल्ड कीजिए और हर गिरावट में खरीदते रहिए। दूसरा बकरंगी, और तीसरा स्टॉक हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी SCC, और चौथा है सुजलन एनर्जी।
चौथा आपको है जीबीके पावर, अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, ये स्टॉक बढ़िया है, नवरात्रि के बाद इसको ज़रूर देखेंगे। और एक स्टॉक आप भूलना नहीं, कभी भी ये 100 रुपये के पार चला जाएगा, वो आपको बता दूँ, बार बार कहते हैं GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, तो ये आपको हो गया 2024 का नया एकदम पोर्टफोलियो, आप बना लीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब पर बटन दबा लीजिए, जो भी यूट्यूब का कुछ प्रोसेस है वो कर लीजिए। और स्टॉक मार्केट में आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, किसी का वीडियो देखकर, किसी की बात सुनकर कभी भी स्टॉक खरीदते हैं तो पैसा आपका लगता है, नुकसान आपका होता है, प्रॉफिट आपका होता है। बड़ी एनालिसिस करने के बाद, राय लेने के बाद, बड़े अच्छे एनालिसिस्ट जो साफ़ सुथरा छवि हो उनसे ज़रूर राय लेना चाहिए। कहा होता है कि कोई काम करने से पहले 100 बार सोचिए। कोई काम में बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक तो शादी होता है दोस्तों, शादी करने से पहले या कराने से पहले 100 बार सोचिए, 100 बार देखिए परखिए, लेकिन हो जाने के बाद उसको लाइफ टाइम तक निभाना चाहिए। उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी है दोस्तों, दोस्ती करने से पहले, फ्रेंडशिप करने से पहले 100 बार सोचिए, करने के बाद मत सोचिए, हो गया जो हो गया। उसी तरह स्टॉक मार्केट में दोस्तों, स्टॉक लेने से पहले 100% श्योर हो जाइए कि किसी भी कीमत में, कोई भी युद्ध हो जाए, वार हो जाए, कोरोना जैसे महामारी आ जाए, लेकिन हमें विश्वास है कि ये स्टॉक जो है बस ये सिचुएशन के अनुसार नीचे आया है, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, ये तो बहुत बड़ा स्टॉक है, इसलिए कि इसकी फ्यूचर प्लानिंग है, कभी भी ये गिरने वाला नहीं है। वैसे स्टॉक में ज़रूर आप इन्वेस्ट कीजिए जो आपको सामने दिखता है दोस्तों। तो हमारी राय लेने के लिए आपको मैंने नंबर बता दिया है, उन नंबर को आप स्क्रिप्ट करके सुन लीजिए, और एक बार फिर नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को, माता रानी स्वस्थ रखें, इसलिए कि स्वास्थ्य ही धन है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक कर दीजिए दोस्तों।